ध्यान दीजिएगा, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदले, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदले, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हाल लिखते हैं। उसके बाद देखिए 200 है तो 200 लिख दिए, बटा 40 है तो 40 लिख दिए, और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 100 देखिए गुना करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 0 0 मिलता है कर देंगे। उसके बाद इसका आधा 2 होता है, इसका आधा 5 होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप इसको गुना कर लीजिएगा, तो गुना करिएगा तो 5 2 10, 10 है तो 10 बिठा देंगे, उसके बाद बटा 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इसको इसका आधा 5, तो आ जाएगा कितना, ये 500, ये कितना आ जाएगा, 500 प्रतिशत तो हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, सबसे पहले हम हल लिखते हैं, तो हल लिख लिए, उसके बाद 500 है तो 500 लिख दिए, बटा 4 है तो 4 लिख दिए, और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 हो गया, इसका आधा 2, इसका आधा 50, तो इसका आधा 1, तो इसका आधा 25। उसके बाद 500 गुना 25, तो 500 गुना 25 करेंगे तो 25 25 125, 20 है तो 20 बिठा देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, हल है तो हल लिख दिए, अब उसके बाद 1000 है तो हम 1000 लिख दिए, और बट्टा में 100 है तो 100 लिख दिए, और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 1 2 0 इधर, 2 0 इधर मिलता है, या 100 100 मिलता है तो काट देंगे, तो आ जाएगा कितना, 1000 प्रतिशत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, आप इसको सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।